पहला प्रश्न लेते हैं, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, कूणिक किस राजा को कहा जाता है? कूणिक तीसरा प्रश्न, प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय किसे कहा जाता है? और चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्रोपम, शुक्रोपम किसकी उपाधि है? पांचवा प्रश्न, लाख बख्श किसका उपनाम है? छठा प्रश्न, सिकंदरे सानी किसे कहा जाता है? सातवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न, कलंदर या गाजी के नाम से किसे जाना जाता है? नवां प्रश्न, खुर्रम किस बादशाह का बचपन का नाम है? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इवन आईएएस में आ चुका है ये सब प्रश्न, खुर्रम किसका नाम है? और दसवां प्रश्न, जिंदा पीर के नाम से कौन मशहूर है? तो ये रहा कुल मिला करके आपके 10 प्रश्न, इसका आप उत्तर करें। चलिए फिर प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, शाहे बेखबर किस राजा की उपाधि है? और दूसरा प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई क्या है? और तीसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई बताएं। और चौथा प्रश्न, NH1 कहां से कहां जाता है? पांचवा प्रश्न, NH7 कहां से कहां तक विस्तारित है? और छठा प्रश्न, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सातवां प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? और आठवां प्रश्न,
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और नौवां प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? दसवां प्रश्न, कुंडग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ उसका आधुनिक नाम क्या है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो चलिए फिर प्रश्न लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहां हुआ था? और दूसरा प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? तीसरा प्रश्न, सर्वप्रथम किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ समझा? चौथा प्रश्न, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने कब प्राप्त की? पांचवा प्रश्न, अशोक के शिलालेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे? और छठा प्रश्न, पायरिया किसके कारण होता है? और सातवां प्रश्न, किस राज्य में प्रथम बार पंचायती राज लागू किया गया? और आठवां प्रश्न, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने किसके साथ प्रतिक्रिया की थी? और नौवां प्रश्न, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? दसवां प्रश्न, कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना क्या प्रदर्शित करता है? तो ये रहा, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए किन किन कसौटियों का उपयोग किया जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, आप करें इसको, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और इसी में दूसरा प्रश्न है कि मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए किन कसौटियों का उपयोग नहीं किया जाता है? बहुत बेहतरीन है, इसको आप करें। और तीसरा प्रश्न, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां खुला था?
और चौथा प्रश्न, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई? मुजद्दिद चौथा प्रश्न था ये। और पांचवा प्रश्न, मिर्जा गाजी की उपाधि किसको दी गई थी? और छठा प्रश्न, शाहजहां द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? सातवां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शाह आलम द्वितीय बहुत मशहूर है, इन्हीं के समय में बक्सर की भी लड़ाई हुई थी। शाह आलम द्वितीय का असल नाम क्या है? और आठवां प्रश्न, स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्मार्ट मनी नवा प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किसने कहा? इंडिया फॉर इंडियंस। दसवां प्रश्न, औरंगजेब की उपाधि क्या थी? तो ये रहा कुल मिला करके, और इसका आप उत्तर करें फिर आप